नमस्कार, न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही महागठबंधन को एक तगड़ा झटका लग सकता है। जी हां, जीतन रामान जी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हर कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, यहां तक कि जीतन रामान जी ने इशारों इशारों में ये बात कह दी है कि वो जल्द ही एनडीए का दामन थामने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि मान जी कई दिनों से नाराज भी चल रहे हैं, लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग भी कर रहे हैं। इसके साथ सीट शेयरिंग को लेकर भी महागठबंधन में अनबन की स्थिति दिख रही है। कई दिनों से मान जी बैक टू बैक अल्टीमेटम दे रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के तलख तेवर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आरजेडी की तरफ से इसे इग्नोर किया जाता है और पूरे फ्रेम से कहीं ना कहीं मान जी आउट नजर आ रहे हैं। लेकिन इसे भी जब खबरें आ रही है कि मान जी अब जल्द ही एनडीए का दामन थाम लेंगे, एनडीए में शामिल हो जाएंगे, पूरा चीज जो है वो फाइनल हो चुका है, बस सीएम नीतीश के साथ एक मीटिंग होनी बाकी है। 2019 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद से ही मांझी आरजेडी पर सवाल उठाते रहे हैं। जीतन राम मांझी ने लोकसभा से पहले भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग की थी ताकि सभी फैसले साथ में लिए जा सके और एक मंच पर सभी घटक दल हो, पर नतीजा सबके सामने है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मांझी चाहते थे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने ताकि सीटों का बंटवारा और नेता पर फैसला हो, और आरजेडी ने इसे तवज्जो नहीं दी। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने खुलकर ये घोषणा कर दी कि चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, साथ ही सीटों का बंटवारा हो या फिर इस पर कोई फैसला हो वो सिर्फ आरजेडी के अनुसार ही होगा। जीतन राम मांझी के लगातार उठाए जा रहे मांगों के बावजूद तेजस्वी का एक बार भी उनसे नहीं मिलना उनकी नाराजगी की बड़ी वजह मानी जा रही है। मांझी के मोह भंग होने का दूसरा बड़ा कारण है कि तेजस्वी का उन्हें अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बात करने की सलाह देना। मांझी ने इसे अपनी तौहीन माना। तेजस्वी मांझी से बातचीत करने के लिए फतुहा के अपने प्रखंड अध्यक्ष को आगे कर दिया। कोऑर्डिनेशन कमेटी पर राजद के रवैये से नाराज मांझी ने 10 जुलाई को पार्टी कोर कमेटी की बैठक बुलाई। कोऑर्डिनेशन कमेटी पर आरजेडी के असहयोगात्मक रवैये और उनकी उपेक्षा से नाराज जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से निकलने का मन बना लिया है। मांझी का गठबंधन में मोह भंग होने की बात सामने आते ही जेडीयू नेताओं ने खुलकर आमंत्रण देकर मांझी को इशारा भी दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले संजय झा, नीरज कुमार हो या फिर पार्टी के प्रवक्ता राजीव रंजन, सबने खुलकर बात कही है कि अगर जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपने खेमे को मजबूत बनाने की रणनीति में जेडीयू नेताओं ने पूरी प्लेटफॉर्म तैयार कर ली। हाल ही के समय में जिस तरह से चिराग पासवान खुलकर नीतीश कुमार के विरोध में अपनी बात रख रहे हैं, उसे नीतीश कुमार नाखुश माने जा रहे हैं। चिराग पासवान नीतीश कुमार के कामों पर सवाल खड़े करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को अपने पाले में लाकर एडजस्ट करना चाहते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेडीयू चाहती है कि सीटों के बंटवारे में चिराग पासवान को बीजेपी अपने हिस्से से सीट दे और संभालने की जिम्मेदारी भी संभाले। वहीं यदि जीतन राम मांझी को जेडीयू अपने पाले में लाती है तो जेडीयू उन्हें अपने कोटे से सीट देगी। तो जेडीयू की तरफ से आमंत्रण वाली बात और जीतन राम मांझी की नाराजगी, ये साफ बता रहे हैं कि अब जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल हो सकते हैं और जल्द ही एक बड़ा फैसला भी लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि महागठबंधन को एक बड़ा झटका लगे। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।